27-28 साल पहले मेरे पापा ने अपने जीवन की शुरुआत यहीं ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। मेरे दादा बहुत छोटे में मर गए थे, मेरे पापा छोटे से डैम का निर्माण। उत्तर प्रदेश से मुझे इतना प्यार क्यों है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। मौसम की बात करें तो मौसम अभी सुबह सुबह ठंड तो काफी हो रही है, पर रात खुलने में अभी काफी समय बाकी है, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी आ गई थी। 4-5 चक्कर में मार लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी घर। और शहरों में तो लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं और लग जाते हैं अपने काम धंधे को निकलने पे। और गांव में तो मुझे जंगली जानवर का डर है, और यहाँ जो मुझे सबसे भयंकर डर है वो इन एक उधर चले गया है और दो सामने पे लड़ रहे हैं, तो इनसे मुझे बहुत डर लगता है पहले से ही। सभी लगे हुए हैं सुबह सुबह मेरी तरह भागने पे। पहले सबसे पहले एक गया, अभी दूसरा चली गया, और अब तीसरा आएगा सामने से। और अभी लगभग रात भी खुल गई है और आज भी मौसम खराब है, सामने देखने पे इतनी धुंध दिखाई दे रही है। अब मैं जा रही हूँ घर, और खुद तो मेरी मम्मी अभी तक रजाई में बैठी हुई थी और मेरे को भगा देती है यहाँ से 5 बजे। तो अभी मैं आ रही हूँ 1-2 घंटे चलने के बाद, और अब मेरी मम्मी यहाँ से उठ रही है। और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो हमेशा की तरह मेरी मम्मी ने यहाँ पे तैयार करके रखा रहता है धनिया वाला पानी, और इतना सब कुछ करती है मेरी मम्मी मेरे लिए। सुबह सुबह मेरे को साफ साफ हिंदी भाषा में बोल दिया जाता है कि जाइए और 2-3 घंटे कमरे में नजर मत आइए, और तो इसीलिए मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ घूमने के लिए। और अभी मेरी मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है, और 2-3 दिन से मेरी मम्मी मेरे को ऐसा खाना खिला रही है कि क्या ही बोले। ये सब्जी कल रात की है, कभी कल रात की नहीं है, आवाज बढ़ाने झूठ बोल रही है मेरी मम्मी। ये सब्जी कल रात की है, चाहे इसमें सब कुछ है पर मैं वो सब्जी रात की है, और रात का ऐसी बचा कुचा खाना मेरी मम्मी मुझे रोज खिला रही है। यहाँ के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सुबह तो ऐसा लगता है कि जैसे मौसम खराब होगा, पर दिन तक हल्की फुल्की धूप आ जाती है, तो अभी यहाँ पे भी हल्की फुल्की धूप लग गई। और आज नहा धो के मैं भी आ गई हूँ धूप सेकने के लिए। और अभी तक हमसे घर में हमने घर के लगभग आज सारे काम निपटा दिए हैं, तो अब मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि घर पे रह रहे के और सो सो के मैं बोर हो गई हूँ, तो मैंने सोचा आज घूम के आते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं गेट के साथ खेलने पे, और आजकल यहाँ पे रोडों का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे काफी जाम लग रहा है सुबह भी शाम भी। और दिन में तो खैर लगना ही है, दिन में तो स्कूल, बच्चों के स्कूल की छुट्टी, बच्चों का स्कूल वगैरह, लोग ऑफिस आते जाते हैं। पहले यहाँ पे बस अड्डा हुआ करता था, तो आजकल यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से बसें वगैरह सब कुछ हटाई गई है, और उसी की वजह से सभी गाड़ी वालों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े कुछ टाइम तक। और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं जहाँ की मम्मी को आना था, और आज लगभग 1 हफ्ते के बाद मैंने पहाड़ देखे हैं। और अभी यहाँ पे बकरियाँ भी आराम से लेटी हुई है, ये चरने लगा रखी थी, ये चर के आ गई है और अब धूप के मज़े ले रही है। और आज से जब 6-7 साल पहले मैं यहाँ आई थी तो यहाँ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे, अब 5-6 साल बाद यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, यहाँ पे घर वगैरह काफ़ी बन गए हैं। और पहले जब हम आते थे तो यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करते थे। और आज जब मैं इस मंदिर में आई हूँ तो इस मंदिर का भी अभी नवनिर्माण हो रहा है, पहले यहाँ पे छोटा सा ये वाला मंदिर हुआ करता था, तो अब मंदिर काफ़ी बड़ा बन गया है, और इधर से भी अभी मंदिर काफ़ी बड़ा बन रहा है। और अभी मम्मी को मैं घुमाने लाई हूँ यहाँ इस मंदिर को, जब हम बहुत छोटे थे तो यहाँ पे बहुत सारे चूहे हुआ करते थे, तो पहले इसे चूहे वाला मंदिर बोलते थे हम, पर इस मंदिर का जो नाम है वो है तालाब वाला मंदिर, तो मंदिर के अंदर तालाब है। अभी तो इसमें बहुत कम पानी है, पर जब हम छोटे थे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, और हम यहाँ पे खेलते रहते थे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है बांस के पेड़, और ऊपर है जो ऊपर बिल्डिंग दिख रही है वो है राजा का महल, जब हम छोटे थे तब गए थे, और अब वो काफ़ी चढ़ाई पर है तो मेरी बस की वहाँ जाने की नहीं है। पर आज से कम 27-28 साल पहले मेरे पापा ने अपने जीवन की शुरुआत यहीं से करी थी, इसी शहर की वजह से हम पले हैं, बड़े हुए हैं, और इसी शहर की वजह से आज हमारे पास वो सब कुछ है जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होता है। मेरे पापा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, मेरे पापा का के पापा यानी कि मेरे दादा बहुत छोटे में मर गए थे, मेरे पापा लगभग
10-11 साल के थे उस टाइम पे, है कि हमने कभी गरीबी नहीं देखी। पापा का ये था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं अपने बच्चों को गरीबी नहीं दिखाऊंगा। और इसी शहर की वजह से और माता रानी की कृपा की वजह से हमने आज तक कभी गरीबी नहीं देखी। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसीलिए मैं मम्मी को बोलती हूँ कि अब क्या मांगेगी भगवान से, भगवान ने सब कुछ दिया तो है। पर मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि कुछ ना सही तो कुछ तो मांग ले, पर पापा ने इतनी मेहनत करी मांगना है, पर मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी है कि हमारे पास सब कुछ है, और कुछ जो आगे चाहिए होगा वो हम खुद करेंगे या अमन करेगा। अमन का तो पता नहीं, वो तो बहुत आलसी है, पर पापा ने जितना करना था पापा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा करा है। जब बारिश होती है तब ऊपर से मिट्टी टूट टूट के आ रही है, और यहाँ पे अभी बकरियाँ वगैरह चर रही हैं। पहले ये सिर्फ छोटा सा गदेरा था, अब ये इतना बड़ा बन गया है कि यहाँ पे अब छोटे से डैम का निर्माण किया गया है। इधर साइड पूरे पहाड़ी पहाड़ थे, तो अभी सारे पहाड़ों को खोद दिया गया है। यहाँ से ऊपर राजा के महल के लिए सड़क जा रही है, जिसका कि अभी निर्माण हो रहा है। यहाँ आके इतना सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इतनी मतलब कि यहाँ पे गर्मी लगभग काफ़ी बढ़ गई है, और यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हवाएं इतनी प्यारी प्यारी चल रही है। वहाँ तो हवाएं भी चल रही थी तो वो भी गर्म गर्म थी। आज यहाँ आके मेरी और मम्मी की कम से कम बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और जब हम पहले आते थे तो हम तीनों भाई बहन हुआ करते थे, मम्मी पापा भी दोनों हुआ करते थे। अब पापा को घूमने का शौक नहीं है, अब पापा बोलते हैं कि तुम जा लो जहाँ तुम्हें जाना है, तो इसलिए हम आते हैं। पर पहले मेरे पापा ने हमें बहुत घुमाया है, यहाँ साइड मेरे पापा ही हमें लेके आते थे, और रोज़ था पापा का कि शाम को हमें घुमाना था और घर लेके जाना था। पर अब पापा का मन घूम घूम के थक गया है, तो अब पापा आराम से घर में आराम करते हैं। और पहले यहाँ पे एक भी घर नहीं थे, अब यहाँ पे काफ़ी घरों का निर्माण हो चुका है। और इधर साइड भी अब काली माता का मंदिर बन गया है, और कुछ लोगों ने अपने अपने घर भी बना दिए हैं। पर यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह अभी वैसी ही है, और मेरी मम्मी जो नीचे देख रही है वो है ये तालाब। तो जब हम छोटे थे तो ये तालाब बहुत ऊपर हुआ करता था, तो नीचे रोड का काम हो रहा है जिसकी वजह से मिट्टी धंसती जा रही है, ये भी नीचे नीचे होता जा रहा है। और इसी के लिए शायद नीचे पे जो छोटा सा डैम का निर्माण किया गया है वो इसी की वजह से किया गया है कि अगर कल के दिन ये टूटता है तो फिर पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ आके मन को इतनी शांति मिल रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत लोग जानना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश से मुझे इतना प्यार क्यों है। तो यहाँ से मुझे इतना लगाव इसीलिए है क्योंकि हमने आज तक जो भी देखा है, जितना भी देखा है जीवन में, इसी देवभूमि की वजह से देखा है। पापा की मेहनत और माता रानी की कृपा की वजह से हमारे पास वो है जो एक मिडिल क्लास आदमी कभी सोच भी नहीं सकता है। पापा ने वो सब कुछ हमारे लिए किया है, तो इसीलिए मुझे हिमाचल प्रदेश से इतना लगाव है। मुझे क्या, मेरी बहन, मेरा भाई, सभी लोगों को, हमको हिमाचल प्रदेश से अलग ही प्यार है। अपने उत्तराखंड से तो है, अपने उत्तराखंड के बराबर स्वर्ग तो कहीं है नहीं, पर हिमाचल की भी हमारे जीवन में अलग ही एक जगह है। और यहाँ से लगभग पूरा नालागढ़ शहर दिखता है। जो तालाब है वो इसके ऊपर है, और वहाँ का पानी यहाँ से निकल के नीचे की ओर जा रहा है। पहले वो काफ़ी ऊपर हुआ करता था, पर अब जब से यहाँ रोड का काम हुआ है तब से वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। अभी लगभग हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लिया है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, पर मजबूरी में जाना पड़ेगा। और रोज़ मेरी मम्मी मुझे खिलाने पे ताने देती थी, पर आज मेरी मम्मी ने खुद मुझे बोला है कि चल तुझे जूस पिलाती हूँ। तो अभी हम घूम फिर के यहाँ पे आए हैं जूस पीने के लिए, और वहाँ से घूमने फिरने के बाद अभी हम आ गए हैं पार्क में। और यहाँ भी पार्क में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो मेरी मम्मी घूमने यहीं आती है। तो अभी मेरी मम्मी थोड़ी देर यहाँ पे घूमेगी, मैं थोड़ी देर बैठी रहूँगी। यहाँ पे कैफ़े भी है, और इस कैफ़े के मोमो बहुत अच्छे होते हैं, पर मम्मी खिलाएगी नहीं क्योंकि मम्मी आजकल मेरा परहेज रख रही है। और यहाँ पे वोटिंग भी की जाती है, और जब हम छोटे थे तो हम प्रत्येक दिन यहाँ पे आते थे वोटिंग करने के लिए। आजकल यहाँ का पानी काफ़ी कम हो रखा है, तो जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हो रही है। आज मैं मम्मी को वोटिंग करा रही थी पर उन्होंने मना करा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बत्तख भी ऊपर की ओर आ रखे हैं। मैं तो वोटिंग नहीं कर पाऊँगी, पर मैं मम्मी को करवा रही थी, पर मेरा प्लान फेल हो गया। इस पार्क को टाइम टाइम पे मेंटेन करके भी रखा जाता है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और कुछ लोग यहाँ पे बेचारे अभी आराम से धूप सेक रहे हैं, और कुछ लेटे हैं, तो हम कुछ मेरी मम्मी की तरह घूम रहे हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं घर, और आज मम्मी भी थक गई है और मैं भी थक गई हूँ,
तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रहता भागना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।